तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कल्याण 28 जुलाई को रिलीज कर दी गई थी और आज दूसरे दिन में एंट्री मार ली है। तो आज बात करेंगे मूवी कैसी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, पहले दिन कितनी कमाई करी, टोटल बजट कितना है, अभी तक कितना कमा चुकी है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी रणवीर और आलिया के सुपर फैन हैं और मूवी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, 160 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने आज दूसरे दिन में एंट्री मार ली है और अमेजिंग ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। जी दोस्तों, मूवी का कंटेंट है फैमिली ड्रामा लव रोमांस, जिसमें आपको दो जनरेशन की लव स्टोरी का तड़का देखने को मिलेगा, एक आलिया और रणवीर की और दूसरा धर्मपाजी और आलिया की दादी की। मूवी में बहुत से बोल्ड सीन्स हैं, कहानी दमदार है, फैमिली ड्रामा भी भरपूर देखने को मिलेगा। हर घर में कैसा माहौल रहता है वो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सम टाइम तुम्हारे ही घर का माहौल है, तुम्हारे ही घर की कहानी है। दूसरा, करण जौहर की फिल्म है तो अमीर परिवार है, सब कुछ हाई सेटअप, बिल्कुल कलरफुल सेटअप। मूवी में रणवीर और आलिया को एक दूसरे के घर जाकर रहना पड़ता है ताकि एक दूसरे के परिवार को उनके डेली रूटीन के लाइफस्टाइल को समझ सके। तो मूवी अमेजिंग है, कुछ एक डायलॉग्स भी बहुत प्यारे हैं, सॉन्ग्स काफी हैं जिसमें से पुराने सॉन्ग्स का बहुत प्यारा तड़का कॉम्बिनेशन मैचअप करा गया है, मिक्सअप करा गया है। दोस्तों, मूवी कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो कुछ लोगों को कतई दिल से उतर गई है। जी दोस्तों, मूवी को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं जिसकी वजह से पहले दिन की कमाई एवरेज ही रही, बावजूद इसके फिर भी बहुत मोटी कमाई अपने खाते में रखते नजर आई मूवी अपने पहले दिन में ही। लेकिन उससे पहले बता दूं तो मूवी के राइट्स रिलीज होने से पहले ही 160 करोड़ तक के बेचे जा चुके थे। इट मींस ये कि मूवी पहले ही अपना बजट रिकवरी कर चुकी थी। इसी के साथ एडवांस में लगभग 80,000 टिकट बेचकर अपने पहले दिन ही अच्छा खासा कलेक्शन किया। जी दोस्तों, मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ अपने पहले दिन ही लगभग सिर्फ इंडिया से 11.5 करोड़ के आसपास मोटी कमाई अपने खाते में रखी थी। इसी के साथ ऑल ओवर इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 13 करोड़ का कलेक्शन करा था। दोस्तों, रणवीर सिंह की फैन फॉलोइंग ओवरसीज में भी काफी दमदार है, जिसकी वजह से सिर्फ ओवरसीज से लगभग 6 करोड़ के आसपास होल्ड देखने को मिला था और पहले दिन में ही टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 19 से 20 करोड़ के आसपास रहा था। इसी के साथ दोस्तों, बात अगर आज यानी डे 2 की करें तो एडवांस में ही लगभग 3.5 करोड़ का कलेक्शन करके मूवी कल की जगह आज अच्छा ग्रोथ करते नजर आ रही है और सुबह से ही लगभग 25-28% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ दूसरे दिन इंडिया से टोटल कलेक्शन लगभग 14 करोड़ के आसपास करते नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, पूरी दुनिया से 23-24 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आ रही है अपने एंड ऑफ द डे तक। ऐसे में पहले 2 दिन का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से एंड ऑफ द डे तक 25-26 करोड़ के आसपास हो जाएगा और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से 43-44 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर जाएगी मूवी अपने एंड ऑफ द डे तक सेकेंड डे में। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी 100 करोड़ का भी बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं? आपकी नज़र में मूवी हिट है या फ्लॉप? दूसरा, मूवी अगर अभी तक आप लोगों ने देख लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस और राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।